फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो MS20 पर आपको आना होता है। MS12 MS14 गाड़ियों की तारीफ मेरे मुंह से आपने बहुत बार सुनी होगी, मगर पूना में आना है, गाड़ी खरीदना है तो हमें लगता है मैकेनिक और बहुत सारी दिक्कतें आती है और सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती, इसीलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर CAST 24 उंदरी के अंदर। सर वेलकम, अभिजीत सर से वेलकम कर लेते हैं। पहले अभिजीत सर बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए, आपके फर्म के बारे में कुछ बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू CAST 24। यस यस, जैसे फर्म के बारे में देखा गया सर तो CAST 24 जो है सर ऑलमोस्ट 2015 से हम लोग काम कर रहे हैं सर, गाड़ी का डील कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो बाकी डीलर से अपने पास डिफरेंट है सर। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं सर, अपना स्कोप देख लेते हैं सर। यस यस राइट राइट, पूना के डीलर से हम लोग क्यों अलग है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, हम तो देखेंगे, पहले ये गाड़ी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये गाड़ी आती है टोयोटा की कैमरी। आप मेरे दोस्त हो, आपको पता है मेरे फैमिली मेंबर्स हो, ऑटो MS20 फैमिली को मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। गाड़ियाँ सिर्फ बेचनी नहीं है, उनके बारे में जानकारी भी देनी है। ये टोयोटा का कैमरी है, ये गाड़ी लग्जरी क्लास वाला गाड़ी है, मतलब आप समझिए कि मर्सिडीज़ BMW के लेवल का ये कार है। मगर इस गाड़ी के अंदर एक खासियत ये है कि इसका मेंटेनेंस उन गाड़ियों से बहुत कम है, मगर लग्जरी उनसे आगे की है। कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको इन गाड़ियों का इंटीरियर BMW मर्सिडीज़ से ज़्यादा पसंद आता होगा। तो सर बताइए इस गाड़ी की क्या डिटेल है। सर जैसे कि ये गाड़ी है सर 2015 का है। ओके, चली हुई 60,000 सिर्फ। ओके, और गाड़ी का प्राइस है 11 लाख। 11 लाख, 11 लाख के अंदर ये गाड़ी दे दोगे? सिर्फ 11 लाख। नया कितने में आता था सर? सर नया देखा गया तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादा था 26-27 के रेंज में सर। 26-27, ठीक है मैं अपडेट कर देता हूँ। एक्चुअल में ये गाड़ी जब बंद हुआ लास्ट टाइम, जब ये 40 लाख के आसपास मिला करता था, 27-26 वाला प्राइस उस वक्त की गाड़ी का था। मगर ये जब डिसकंटिन्यू हुआ ना, उस वक्त ये वाला मॉडल, एक्चुअली ये अभी भी चालू है, हाइब्रिड के अंदर मिलता है ये गाड़ी, आप आकर देखना। वैसे तो मैं इंटीरियर बता रहा हूँ, कितना खूबसूरत और लाविश इंटीरियर इसका देखने मिलता है। एक्सटीरियर में ब्लैक कलर है, प्रीमियम वाला वाइप आपको देगा। नेक्स्ट वाला व्हीकल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है ऑल्टिस। इसी का प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ा सा पीछे आने के बाद में ऑल्टिस निकल कर आता है, इसका सिबलिंग है ऐसा बोल सकते हैं। बताएंगे सर? ये गाड़ी है सर 2016 का। ओके, 60,000 चला हुआ है सर, गाड़ी का प्राइस है 8 लाख। 8 लाख? यस सर, 8 लाख के अंदर आपको ऑल्टिस भी देखने मिलेगी, मतलब बहुत बेहतरीन बात हो सकती है। ऑल्टिस जो है ये वाला व्हीकल, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था क्योंकि ये गाड़ी वाइट कलर के अंदर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे जो सुपर क्लास वन ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये गाड़ी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे नेताओं के पास ये गाड़ी है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि ये गाड़ी का मेंटेनेंस कम है, ये गाड़ी फुल्ली रगेड है। अभी देखिए CAST 24 पर आने के लिए क्यों आना पड़ता है, वो एक वजह मैं आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वाली गाड़ी हम लोग देखेंगे, इसमें सारी गाड़ियाँ मुझे खुद जंबलिंग हो रही है, आपको मैं बहुत बड़ा स्टॉक भी बताने वाला हूँ। ये जो गाड़ी है ना, ये स्कोडा का ऑक्टाविया है। ऑक्टाविया का इंटीरियर सच में मुझे बहुत बार लगता है सर ये ऑडी से रिजेंबल करती है क्योंकि ये ऑडी फैमिली से बिलोंग करती है। यस सर, इसका इंटीरियर देखा गया तो सर ऑलमोस्ट सेम एज ऑडी के जैसा ही है। सेम, यस। दूसरी बात सर, गाड़ी का अगर आप ये प्राइस देखेंगे सर, सिर्फ 13 लाख में ये गाड़ी हम लोग दे रहे हैं सर। हाँ ठीक है, गाड़ी का अगर आप ईयर देखेंगे 2017 का गाड़ी है सर। हाँ, चली है सिर्फ 70,000। सिर्फ 70,000, मतलब 70,000 किलोमीटर चली है ये व्हीकल। अभी ये वाले व्हीकल के बारे में भी एक खासियत है, ये वाली व्हीकल भी जर्मन मेड है और ये ऑडी के ही हुड के अंदर आने वाला प्रोडक्ट है जो कि बहुत बेहतरीन निकल कर आता है। इंटीरियर आप देखिएगा, लग्जरी के मामले में मानेगा नहीं। इवन दो वेंटिलेटेड सीट्स भी इसके अंदर देखने मिलते हैं, मतलब सीट के अंदर का AC आप सादी सऊदी भाषा के अंदर बोल सकते हो। बाकी सर ये प्राइस इसका क्या बताया आप? 13 लाख। ओके, 13 लाख रुपये मिलेगा। देखिए ये निगोशियबल प्राइजेस है, ये फाइनल प्राइजेस नहीं है, मैं बस स्टॉक बताने आया हूँ। नेक्स्ट वाला व्हीकल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट के अंदर और एक व्हीकल निकल कर आता है, प्रीमियम हैचबैक जो सेगमेंट होता है ना, इसका इंटीरियर भी बहुत लाविश है। कुछ मेरे दोस्तों को ये इंटीरियर पसंद नहीं आया होगा, मगर मैं बता दूँ मुझे इस गाड़ी के डिज़ाइन के साथ में, अगर इसका फ्रंट लुक बोलूँ या फिर इंटीरियर बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी। थोड़ा बहुत मुझे पिछले साइड में थोड़ा कुछ अलग सा चाहिए था, बैक साइड जो लैंप वैम्प लगे हैं उनके अंदर। सर बाकी डिटेल क्या रहेगा? सर ये गाड़ी है लेटेस्ट वाली है सर, 2021 का गाड़ी है सर। ओके ठीक है, पेट्रोल मैनुअल गाड़ी है सर। ओके, 8 लाख में हम दे रहे हैं सर, गाड़ी चली हुई है 50,000। अभी 8 लाख के अंदर मिल रहा है, 50,000 चली है, 8 लाख के अंदर ये गाड़ी मिल रहा है। मगर आपको बता दूं ये गाड़ी 14-15 लाख तक के अभी जाने लगा है, वरना आप बोलोगे इतनी सी गाड़ी 8 लाख में सेकंड हैंड दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये गाड़ियों की प्राइजेस आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होंगी, मे बी 40-50 हज़ार बाकी डीलर से थोड़ी सी कॉस्टली आपको लग रही होंगी, मगर मैं बता दूं जो हमने पहला कैमरी देखा, अगर कैमरी के अंदर कैमरी आपको 50,000 से भी सस्ता मिल जाता है, अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर काम निकल कर आता है,
वो गाड़ी आपको 1-1.5 लाख रुपए का मेंटेनेंस दे देगी। ये प्रीमियम गाड़ियाँ जो होती है, जैसे कि स्कोडा हो गई हमारी, अभी ऑल्टिस हमने बताई, उसके बाद ये वरना हम बता रहे हैं, इनका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ जाता है अगर सेकेंड हैंड गाड़ी के अंदर कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बेटर है इनके पॉलिसीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें, हमारी मेहनत की हुई हुई जो कमाई है, जो मैंने से जमा किए हुए पैसे हैं, उनको हम बर्बाद ना करें। तो बताइए उस रिटर्न पॉलिसी के बारे में और बाकी हमारी क्या खासियत है। सर, रिटर्न पॉलिसी अगर देखा गया, सर अगर आप समझो गाड़ी हमारे पास से लेके जाते हो सर, हम लोग 7 डेज मनी बैक गारंटी देते हैं सर। ओके, जिसके अंदर आप अगर गाड़ी लेके भी गए सर, गाड़ी में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है सर, गाड़ी का कोई पार्ट्स ख़राब है या कुछ भी आपको लग रहा है सर, ओके, मतलब हम लोग को बताओ सर, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है गाड़ी, हम रिटर्न ले लेंगे सर विद इन 7 डेज में। 100% अमाउंट जो है वो आपका रिफंडेबल होगा सर। 100% नो, कोई भी आपको चीज नहीं काटोगे ना, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं काटेंगे भैया। वापस 7 दिन के अंदर अगर गाड़ी पसंद नहीं आती तो रिटर्न भी लेने का कॉन्फिडेंस है। मगर रिटर्न क्यों लेंगे भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी दे रहे हैं। इससे बढ़िया मेरे को पॉलिसी इनका ये लगा कि ये इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर भी वारंटी भी दे रहे हैं। बताइए सर, जैसे कि हम लोग 1 ईयर का वारंटी देते हैं सर गाड़ी का, जिसके अंदर गाड़ी का इंजन गियर बॉक्स जो है वो कवर्ड होता है सर। ओके, इंजन गियर बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, अभी ये चीज़ें जो होती है ये मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे समझो ECM हो गया, AC कॉम्प्रेसर हो गया, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर जो वारंटी के अंदर कवर्ड होती है। ओके, तो ये वाला भी कवर हो जाएगा वारंटी के अंदर। बाकी आप गाड़ी को यहाँ पर फिजिकली चेक करवा सकते हैं हम लोग मैकेनिक लाकर, सर कभी कभी भी चेक करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इसके लिए हम लोग सर 7 डेज मनी बैक गारंटी देते हैं। इनके समझो आप गाड़ी लेकर भी जाते हैं, आप सर्विस सेंटर में गाड़ी दिखाए या कोई मैकेनिक को गाड़ी दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि हमारे यहाँ से अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो सर जी, तो डेफिनेटली आपको गाड़ी अच्छा ही मिलेगा सर, अच्छा ही मिलेगा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आप देख रहे हो 7 दिन का मनी बैक गारंटी भी ये लोग दे रहे हैं, उसके बाद में 1 साल का इंजन गियर बॉक्स का गारंटी भी ये लोग दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा लेना तो बनता है। वैसे तो 100% अच्छी ही गाड़ी है यहाँ पर रहती, कास्ट 24 कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, अच्छा खासा वाइब है इस ब्रांड का। बाकी बहुत सारी प्रीमियम व्हीकल्स भी हमारे पास देखने मिलती है, जैसे कि मैं बता दूँ कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है कि जो मार्केट के अंदर बेचने का देखने भी नहीं मिलती है, यहाँ पर बेचने के लिए आ चुकी है। जैसा हमारे पास में कुशाक भी है सर, राइट, एक कुशाक रहेगा हमारे पास में, उसके बाद में नेक्सॉन जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो वाला व्हीकल भी यहाँ देखने मिलेगा, और उसके बाद हमारे पास हैरियर है जो पैनोरामिक सनरूफ के साथ में देखने यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो वरना है ना, ये बहुत बेहतरीन निकल कर आता है, क्योंकि लेटेस्ट वाला वरना मैं इसे बोल सकता हूँ, अभी जो नया वाला वरना आया ना, जिसका यहाँ से वहाँ तक की लाइट है, नहीं पसंद आया लोगों को, बहुत सारे मेरे भाइयों को नहीं पसंद आया। यही वरना था जो लास्ट टाइम में सेल आउट हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर बहुत खूबसूरत है। बताइए सर। सर ये गाड़ी का अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी 2022 का गाड़ी है सर, लेटेस्ट मॉडल है, अभी तक इसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है सर। हाँ, गाड़ी का अगर आप रनिंग देखेंगे 7000 रनिंग हुआ है सर, ये गाड़ी का 7000 चला है सर, ओनली 7000 रनिंग हुआ है सर ये गाड़ी का। अगर आप अंदर से गाड़ी देखेंगे तो ऑलमोस्ट न्यू एज, मतलब बोले ना सर, कंडीशन अगर देखेंगे पूरा न्यू दिखेगा सर आपको, बढ़िया है यार। मतलब 2022 की गाड़ी सिर्फ 7000 चली हुई, ये डीजल है पेट्रोल? पेट्रोल है सर, पेट्रोल मैनुअल है। बताइए सर, गाड़ी का प्राइस अगर आप देखेंगे सर तो 10,20,000 गाड़ी का प्राइस है सर, 10,20,000 में ये गाड़ी लेकर जाइए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइजेस बढ़िया ही है, मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कि ये गाड़ियाँ बढ़िया ही है, आप खुद आकर चेक कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी लेकर जाते हो ना 7 दिन में वापस लाकर दे दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। अब ये गाड़ी जो है ना जर्मन मेड व्हीकल है, इसे बोलते हैं वोक्स वैगन वेंटो। ये गाड़ी पहले से ही मुझे पसंद आती थी, मगर यहाँ पर जब वो डिसकंटिन्यू हुई, वो वाला ये मॉडल है, ये बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल प्योरली सामने से पोलो का फील देती है और पीछे से एक प्रीमियम सिडान वाला फील ये गाड़ी देती है। बाकी इंटीरियर के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊँगा, मगर एक बात बता दूँ, इसका स्टेयरिंग व्हील ज़रूर देखना आप, कोई भी गाड़ी में आपको इतना खूबसूरत व्हील नहीं देखने वाला स्टेयरिंग वाला। बताइए सर क्या डिटेल रहेगा? सर ये गाड़ी जो है चलिए 60,000, जैसे गाड़ी का ईयर आप देखेंगे 2020 का गाड़ी है सर ये जी, यस। और गाड़ी अंदर से देखिए, बाहर से देखिए सर, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है सर ये। ओके, गाड़ी का प्राइस अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस है 8 लाख रुपीज़ सर। 8 लाख रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया। ये डीजल है पेट्रोल आप बताना भूल गए? सर ये पेट्रोल मैनुअल है सर, पेट्रोल मैनुअल है। अभी ये व्हीकल जो है ना, इसका डिक्की भी, मतलब बूट स्पेस भी आप देख सकते हो, जी डिक्की भी बोलते बहुत सारे लोग, वो इतना बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है इसके अंदर, 2-3 आदमी बैठ जाएंगे उसके अंदर, अपने को ले जाने तो नहीं है मगर बैठ जाएंगे, ठीक है। ये वाला व्हीकल अच्छा था। अभी यहाँ पर मैंने प्रीमियम का लाइन तो यहाँ मेरा ख़त्म होता है, अभी यहाँ पर मेरे पास मैंने 4 गाड़ियाँ और सॉर्ट की है,
अभी बताने के लिए मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ, एक बार कैमरा उस साइड घुमा दीजिएगा, कितनी गाड़ियाँ एक बार बता दीजिएगा। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं सारी की सारी नहीं बता पाऊँगा, इसीलिए मैंने कुछ स्पेशल स्पेशल गाड़ियाँ सॉर्ट की। और ये हर कलर के अंदर यहाँ पर अवेलेबल, ऐसा समझ सकते हो ये भी गाड़ियाँ, मगर इसमें से कुछ मुझे जो चुनिंदा कलर्स पसंद है वही मैंने बाहर निकाले हैं। बाकी ये ब्लैक वाला हैरियर आप देख पा रहे हो, यहाँ हैरियर बोल रहा हूँ सॉरी, नेक्सॉन देख पा रहे हो आप सामने। आप देखोगे तो यहाँ पर कुशाक आपको देखने मिलेगा, जीप कंपस आपको देखने मिलेगा और हैरियर देखने मिलेगा। ये चारों गाड़ियाँ एक जैसी क्यों है पता है, एक लाइन में क्यों खड़ी है पता है, क्योंकि जो एनकैप की जो रेटिंग होती है ना, बिल्कुल सेफ्टी वाला रेटिंग, सब में ज़्यादा इन गाड़ियों ने स्कोर किया, इसीलिए ये गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी है। बताइए सर। सर ये जो गाड़ी है 2022 का है सर, जिसको सबसे ज़्यादा डिमांड होता है सर, नेक्सॉन जो डीजल वेरियंट में है सर, अपने पास डीजल मैनुअल है सर। क्या बात है जी सर, ये गाड़ी का प्राइस जो है सर ये है 10 लाख रुपीज़ सर। 10 लाख रुपीज़ पूछा जा रहा है, बाकी मैं देख लूँ एक बार इसके अंदर। अरे इसमें तो मैकविल भी लगे यार, ये गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता नहीं बोल दिया क्या? ब्लैक कलर के अंदर है, मैकविल लगे है, MH12 है, एक साल का वारंटी आपको दे रहा है गियर इंजन बॉक्स के। नहीं यार ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया शायद प्राइस के अंदर है ना। गाड़ी का प्राइस एक्चुअली 12 लाख रुपीज़ है सर। 12 था 10, गलती से बोल दिया, फिर से बोल दूँ, फिर भी यार 10 में अगर मिल जाती तो बहुत बढ़िया बात होती है। आप आके निगोशिएट करना जितना कम कर सकते हो, अभी तक के लिए सर ने बोला है कि गलती से 10 बोल दिया, मगर ये गाड़ी आपको 12 के अंदर देखने मिलेगी, 12 लाख के अंदर देखने मिलेगी। लोन फैसिलिटीज़ भी इन गाड़ियों के ऊपर अवेलेबल होती है। ये वाली व्हीकल डीजल के अंदर आपको 19-20 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देती है, बड़ा इंजन है। 40 फीट खाई में गिरी थी ये 2 बार, एक बार तो इसके ऊपर एक खंभा गिरा था, मैंने ये सारे वायरल वीडियोज़ देखे हैं, कुछ नहीं हो रहा है गाड़ी को, मतलब गाड़ी फैमिली के लिए लेकर घूमना है तो सेफेस्ट कार रहेगी सच में। इनके आपने 5-स्टार रेटिंग जो दी है इसके लिए बढ़िया है ये गाड़ी। सर इस गाड़ी के बारे में बता दिया, एक बार सॉरी बोल देना प्राइस गलत बोल दिया आपने। सॉरी सर प्राइस गलत बता दिया आपको। जैसे ये गाड़ी का प्राइस है 12 लाख रुपीज़ सर, कभी भी आप देखने आ सकते हो सर अपने पास में, डीजल है मैनुअल है सर। हाँ मगर ये गलती की सुधार रहे हैं तभी होगी जब जाकर आप इसमें डिस्काउंट भी बाद में करोगे यहाँ पर कस्टमर आने के। डेफिनेटली सर डेफिनेटली, कुछ ना कुछ हम करके ही देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, निगोशिएबल प्राइसेस रहेंगी। अभी नेक्स्ट वाला व्हीकल कुशाक है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है, वाइट कलर, प्रीमियम गाड़ी है। ये सारे शार्प डिज़ाइन वाले गाड़ियाँ हैं, ये इतना शार्प डिज़ाइन की गई है ना, आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे एंगल से यहाँ से निकल रहा है, इतना एंगुलर शेप है। यहाँ पर शायद से DRL भी है गाड़ी के अंदर। बताइए सर क्या डिटेल है इसका? सर ये जो गाड़ी है ये भी लेटेस्ट वाला गाड़ी है सर, जैसे अगर इसका ईयर देखेंगे 2021 का गाड़ी है सर। गाड़ी का रनिंग सिर्फ 20,000 हुआ है सर, 20,000 किलोमीटर हुआ है, 20,000 किलोमीटर सिर्फ हुआ है सर। गाड़ी का अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये है 12 लाख 10,000। 12 लाख मतलब 12 लाख में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 12 लाख कितने बोले आप? 12 लाख 10,000। 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000 रुपीज़ दो गाड़ियाँ 12 लाख में मिल गई आपको ऑप्शन के अंदर। अभी ये वाला व्हीकल पेट्रोल के अंदर ही मिलता है, इसीलिए मैं इसके बारे में डीजल के बारे में बात नहीं करूँगा। बाकी बहुत बढ़िया है, इंटीरियर भी आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे तो आइए यहाँ पर, तो ये भी मैकविल के साथ में था। अभी ये वाला व्हीकल भी टॉप एंड है, जीप कंपस। ये जीप का सिग्नेचर ग्रिल जो नज़र आ रहा है ना, ये देखने के बाद ही इसका वाइब बिल्कुल क्रिएट होता है कि बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, क्या मजबूत गाड़ी है यार। बताइए सर क्या डिटेल है? सर ये 2020 का गाड़ी है सर, पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी है सर, विथ सनरूफ। ओके, सो ये गाड़ी का प्राइस अगर देखा गया तो 16 लाख में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी सर। अगर आप नए लेने जाते हो तो ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं आपको 23-24 में मिलती है सर ये गाड़ी। ओके 16 लाख, फिर से मैं बता दूं कि प्राइजेस निगोशिएबल है, आप प्राइजेस को लेकर कोई कमेंट मत करना, क्योंकि ये गाड़ियाँ आप ये बात ध्यान में रखिएगा, सस्ते से सस्ती गाड़ी खरीद लीजिए, उसके बाद में अगर आपको गाड़ी का इंजन में काम निकल जाता है, गेयर बॉक्स में काम मिलता है, हो तो जाता है, चेसी बैंड निकल जाती है, काम तो हो जाएगा आपका, आप बहुत सारा पैसा तो लगा दोगे, बहुत सारा बोल रहा हूँ, पैसा लगा तो दोगे, मगर उसके बाद में भी गाड़ी की गारंटी नहीं कि वो अच्छी ही रहेगी, इसलिए इन व्हीकल्स के ऊपर एक साल का वारंटी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला हम गाड़ी देखने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूँ कि टाटा का हैरियर जो है ये भी वही 5-स्टार एनकैप रेटिंग के अंदर आने वाला व्हीकल है, जो कि विथ पैनोरामिक सनरूफ आता है। पहले हमने जो जीप कंपस देखा वो भी विथ सनरूफ था, अभी इस व्हीकल इंडियन व्हीकल, मैं एक्चुअल में टाटा का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। यहाँ पर टियागो टिगोर भी लगी थी, मगर यहाँ पर उतनी जगह नहीं थी कि मैं उन्हें बता पाऊँ, वरना मैं डिस्प्ले के अंदर वो गाड़ियाँ ज़रूर रखता। बाकी बताइए सर इस गाड़ी का डिटेल। सर ये गाड़ी 17 लाख में, गाड़ी का अगर आप ईयर देखेंगे तो 2020 का गाड़ी है सर ये। ओके, डीजल है, मैनुअल कार है सर। ओके ठीक है, अगर आप ये गाड़ी नई लेने जाते हो सर, डीजल मैनुअल, तो ये
ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 24 के रेंज में आएगी सर, 24-25 के रेंज में, 24 क्रॉस कर लिया है सर उसने कभी से। ये गाड़ी विद पैनोरामिक सनरूफ आती है, ऑलरेडी ये गाड़ी में इतनी ज़्यादा जगह है सिर्फ विड्थ ज़्यादा होने के कारण से, तो अंदर आप बैठोगे ना वो ऐसे बड़े बड़े से हैंडल्स आपको नजर आएंगे जिससे आप गाड़ी खोल सकते हो। उसके बाद में इसका पार्किंग का जो है ना क्या हैंड ब्रेक बोलते हैं उसे, वो भी पूरा एरोप्लेन के जैसा बाहर निकलता है। पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर, पीछे के साइड बैठते हो ना पीछे यूजुअली 3 लोगों को, नॉर्मल कोई भी प्रीमियम सेडान के अंदर भी बैठते हो ना कंधे को कंधा टच हो जाता है, मगर इसमें वो नहीं होता है, 3 अडल्ट भी पीछे बैठ सकते हैं। इवन तो मैं तो बोलता हूँ थोड़ा एडजस्ट कर लो ना तो 4 अडल्ट बैठ जाएंगे कंधे को कंधा लगाकर, बहुत कंफर्टेबल व्हीकल है। देखिए आते हो ना तो ये गाड़ियाँ देखा कीजिएगा, सिर्फ प्राइजेस सुनकर शौक मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन पर जाते हो तो इन्हीं तरीके की कंफर्टेबल गाड़ियाँ आपको लगती है। बाकी सर ये वाला व्हीकल के तो डिटेल दे दिए, सारे प्राइजेस निगोशिएबल थे सर? निगोशिएबल होते हैं सर, पर कुछ गाड़ियों में ही होते हैं सर। बेसिकली देखा गया तो मैक्सिमम गाड़ियाँ अपने पास जो है वो जिनका फिक्स प्राइस होता है सर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है सर। ओके ठीक है, बट हम लोग केस टू केस डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ नेगोशिएशन भी करते हैं। ऑन टेबल तो करना पड़ता होगा ना, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा सर। ऑन टेबल तो हो ही जाएगा, ठीक है, इतने रहेगा कि यहाँ से अप्रूवल ले रहे हैं वहाँ से अप्रूवल ले रहे हैं, चलो जो भी है हमारे चैनल से जो भी आएगा उसके लिए चाहिए सर। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ इतनी गाड़ियाँ नहीं है, और भी कुछ गाड़ी है, चलिए मेरे साथ में। हम लोग यहाँ पर ये गाड़ियाँ सिर्फ ओवरव्यू बता देंगे इन गाड़ियों का, यहाँ पर बहुत सारे वैगनर्स का लाइन है। चलिए सर, बहुत सारे वैगनर है, बहुत सारे हुंडई का लाइन लगा है जिसमें i10 बहुत सारी है। यहाँ पर सामने आता हूँ ना मैं, इस साइड में मेरे को पूरा वैगनर दिखाई दे रहा है। ये 1.0 लीटर वाला वैगनर भी है शायद, नया डिज़ाइन? जी सर, नए गाड़ियाँ भी है अपने पास, नए गाड़ी भी है इस साइड। यस, जैसे अगर वैगनर देखे गए तो CNG में भी अपने पास है सर जो नई गाड़ी है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे ऑल्टो लगे हुए हैं सर, यहाँ पे पूरे ऑल्टो लगे हैं। पिछली लाइन में बताता था आपको वहाँ पर ना सारी बलेनोज लगी है, वहाँ पर बहुत सारी स्विफ्ट्स लगी है। मतलब ऐसा नहीं हर कलर के अंदर गाड़ी है, यहाँ पर एक कलर में 4 गाड़ियाँ है यार। अभी ये ऑल्टो ही देख सकते हो सैलरियो के साथ में, ये दो ऑल्टो 800 देख सकते हो, 2 कलर के अंदर सिल्वर है यार, 2 सैलरियो सिल्वर में मिल रही है, वाइट के अंदर सैलरियो एक्स देखने मिल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर, ऐसा नहीं। बाकी हर ब्रांड की गाड़ी हमारे पास है जी सर, ऑलमोस्ट हर ब्रांड की गाड़ी हम लोग यहाँ पे रखते हैं सर। जैसे अभी आप हैचबैक में देखेंगे सर तो अपने पास स्विफ्ट है, i10 है सर, छोटी गाड़ियों में नाम लिया और स्विफ्ट ही आ गया यहाँ पर। अब ये वाला स्विफ्ट बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है सर, रेड कलर मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। आपके पास सारी ही गाड़ियाँ हैं लगभग, मैं देख पा रहा हूँ ना यहाँ पर ऐसी एक भी गाड़ी मुझको नज़र नहीं आ रही जो है नहीं। थोड़ी सी यूनिकनेस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली स्विफ्ट हमारे पास लाल कलर में एक ही है, और है सर और भी गाड़ियाँ है अपने पास सर, जैसे ये स्विफ्ट रेड कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर भी है सर, जैसे डिजायर में भी है, और स्विफ्ट अगर आप आगे जाते हो थोड़ा तो स्विफ्ट भी मिल जाएगी आपको। ओके, मतलब पुराना स्विफ्ट मिलेगा, डिजायर भी मिलेगा, पोलो भी मिलेगा अगर आप चाहते हो। उसके बाद बलेनो तो कई सारे हैं, ये एक कलर बहुत वाइब्रेंट है और मॉडिफिकेशन के अंदर बहुत बढ़िया निकल कर आता है। बाकी यहाँ पर और एक कलर है ब्लू कलर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है नेवी ब्लू कलर इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैक से सिमिलर होता है। ये सारी रही आज के व्लॉग की डिटेल्स सर, पर मैं जब आया तो मैं तो बताऊँगा कैसे आना है, मगर आप एक बार एड्रेस बता देना सर। एड्रेस जो है जैसे पुणे में अगर आप आते हो सर, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको अगर इनके समझो स्वारगेट से आ रहे हो तो स्वारगेट से एक हार्डली 10 किलोमीटर अपना यार्ड है सर। ओके, उंड्री में अपना यार्ड है सर, उंड्री में अगर देखा जाए तो उंड्री चौक जो है सर वहाँ से हार्डली 4-5 मिनट अपने यहाँ पे आने के लिए लगते हैं सर। अपोजिट में ध्रुव इंटरनेशनल स्कूल है सर, ठीक है, जहाँ से आपको अंदर आना है सर। बाजू में एक गोदरेज प्राणा करके बड़ी सोसाइटी है सर, वहाँ से आपको उसके बाजू में अपना यार्ड है सर। ओके, मैं जैसे कि औरंगाबाद बोली गया सर, छत्रपति संभाजी नगर बोलिएगा, वहाँ से मैं यहाँ तक मैंने ट्रैवल किया। एक्चुअली मैं कार में आ सकता था, मेरे दोस्त की कार यहाँ पर आ रही थी उसी के साथ में, मगर मैंने सोचा कि आपके कन्वीनियंस के लिए मैं सोचूं कि वहाँ से कितना इनकन्वीनियंट होता है या कन्वीनियंट होता है वो आपको बता दूं। तो कुछ नहीं कन्वीनियंट है, मैं बस स्टैंड के अंदर गया, बस स्टैंड से शिवाजी नगर उतरा, कहीं से भी आप आते हो शिवाजी नगर बस स्टैंड के ऊपर, तो शिवाजी नगर बस स्टैंड से मैंने हड़पसर का बस लिया। हड़पसर से मैंने 188 नंबर का बस कातरज के लिए जा रहा था। यहाँ पर शौर्यवाड़ा बोल के एक होटल लगा मुझे, ये कौन सा गांव है, ये उंड्री रास्ते से जाने वाला बस था। यहाँ पर शौर्यवाड़ा एक मेरे को होटल लगा, शौर्यवाड़ा से जस्ट एक 500 मीटर सामने जाके मैंने लेफ्ट लेते ही ये आ गया। तो नेविगेशन जो सिस्टम है उसका भी थोड़ा इस्तेमाल करना बस में भी आप बैठे हो तो। ज़्यादातर आप लोग बस के अंदर ही ट्रैवल करोगे यहाँ तक, क्योंकि आप जाते हो कार में जाओगे बस में नहीं जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना सारा लॉट, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी वैराइटीज़, इतने अच्छे अच्छे प्राइजेस,
और ये जो वारंटी गारंटी वाला जो है ना गियरबॉक्स इंजन वाला, इससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे और इन तरीके की गाड़ियों के लिए और डिमांड करोगे बाद में भी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, थैंक यू सो मच। इनका नंबर जो है, इनका एड्रेस जो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसके अंदर आपको देखने मिलने वाले, तो जल्दी से जल्दी जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे, अगर एफर्ट्स आपको लगते हैं वर्थ है तो। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।